एक बार फिर सिंप्लेक्स ठेका कंपनी की बड़ी लापरवाही एक दुर्घटना के रूप में सामने आई, जिसमें मेन होल से सीवरेज पाइपलाइन जोड़ते हुए छिंदवाड़ा निवासी सुधरलाल ठेका कर्मचारी मिट्टी धंसने की वजह से 20 फीट गहरे गड्ढे में जमींदोज हो गया, जिसे गणेश नगर के रहवासियों ने फौरी तौर पर बचाव कार्य करते हुए मिट्टी से बाहर निकालने पूरी ताकत झोंक दी। 2 घंटों से मिट्टी में फंसे मजदूर को शाम 5 बजे के तकरीबन बाहर निकाल ही लिया गया था कि एक बार फिर कई टन मिट्टी फंसे मजदूर और राहत कार्य में लगे मोहल्ले के लोगों के ऊपर आ गिरी। इस दुर्घटना में मजदूर के जिंदा बचने के बहुत कम ही अवसर थे, लेकिन मोहल्ले वासियों की सक्रियता से युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के संबंध में निगम एवं पुलिस प्रशासन को सूचना मिलने के बाद भी रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई थी, जिसे लेकर उपस्थित लोगों में गहरा आक्रोश था। जो लड़का जो फंसा था, गला के ऊपर तक मिट्टी था उसका, मोहल्ले के लड़के लोग ही निकाले हैं। ठेकेदार की इतनी बड़ी लापरवाही कि उसके पास एक तो बल्ली नहीं है, एक तो पटिया नहीं है, उसके पास लेबर नहीं है काम करने वाले, और वो बगैर पूछे बगैर जनप्रतिनिधियों की जानकारी दिए हुए अचानक बीच रोड को खोलना चालू कर दिए। उसके नतीजा ये हुआ कि एक आदमी मरते मरते बचा। उसकी वजह केवल यह है कि मोहल्ला वाले पूरे सक्रिय थे और मोहल्ला वाले ने काम किया, अभी साथ दिए। वो कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए फंसा हुआ, उसको सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, एक भी पटिया नहीं है, एक भी बल्ली नहीं है उनके पास वर्तमान में। 2 घंटे से लड़का फंसा हुआ है, न ठेकेदार का पता है उनका, न किसी इंचार्ज का पता है, न किसी का पता है। मोहल्ले के जितने भी लड़के जाके उसको हम लोग निकाल रहे हैं, उसके बाद ये ठेकेदार के आदमी अभी आ रहे हैं, अभी आने बाद इतना लापरवाही है। यहाँ SP को फोन लगा रहे, SP नहीं उठा रहा फोन, यहाँ का TI को फोन लगा रहे, TI फोन नहीं उठा रहा। ये लोग लगते सोए हैं अपने घर में, कोई नहीं आया। युवक को गड्ढे में फंसे 3 घंटे बीत चुके थे, लिहाजा आसपास के लोगों की उत्सुकता भी मजदूर को सकुशल बाहर निकालने की मौके पर दिख रही थी। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच चुके थे, जो प्रशासन और सिंप्लेक्स ठेका कंपनी को इस दुर्घटना का जिम्मेदार मान रहे थे। मौके पर मौजूद निगम के इंजीनियर भी ठेका कंपनी को ही दोषी ठहरा रहे थे और बिना सुरक्षा उपायों के कार्य को गलत बता रहे थे। पूरा कोलैप्सिबल स्टेट है, लेकिन वो भसक गया है तो उसे कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अब उसको जान बच गई है, 108 के माध्यम से उसको ले जाएंगे। हमको जैसे सूचना मिली हम सबसे पहले पहुंच गए, मैं खुद ई हूं यहां सीवरेज का, तो मैं जैसे मुझे सूचना मिली हम सबसे पहले पहुंच गए। मौके पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस के ऑक्सीजन सिलेंडर की सही समय पर मजदूर को मिलने से और मोहल्ले वासियों के प्रयासों से युवक मौत के मुंह से वापस लौट पाया, जिसे रात में 9:15 बजे गड्ढे से पूरी तरह बाहर निकाला गया। यहाँ पे नगर निगम का सीवरेज का काम चल रहा था, उसमें नगर निगम के ठेकेदार का ही लेबर है, जो कि इसके मिट्टी धंसने से या जो भी कारण से वो दब गया था, जिसके मोहल्ले वालों के सहयोग से अभी रेस्क्यू करके निकाला गया है। एक बार मोहल्ले वाले के सहयोग से निकालने का प्रयास किया गया था तो ऊपर से मिट्टी धंसकने से पुनः वो दब गया था, उसके बावजूद भी वह जिंदा बच गया, ये बड़ी खुशी की बात है। ख़ास करके पुलिस इस मोहल्ले के लोगों के तारीफ करेगी, क्योंकि उन्होंने भरपूर सहयोग मोहल्ले वाले ने किया और हर परिस्थिति में साथ दिया और उनके मदद से दबे हुए व्यक्ति को अभी निकाल कर अपोलो में भेज दिया गया है, अभी वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इस दुर्घटना में सिंप्लेक्स ठेका कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर सीवरेज निर्माण का कार्य किया जा रहा है। गणेश नगर जिनत विहार के पास हुई इस दुर्घटना में ठेका कंपनी का कर्मचारी ही इसका शिकार हुआ, जिसमें मोहल्ले वासी भी आसानी से चपेट में आ सकते थे। वहीं निगम प्रशासन के अधिकारियों की कार्य प्रणाली भी सवालों के घेरे में है, जिनके नाक के नीचे ठेका कंपनी द्वारा शहर वासियों के अलावा खुद के कर्मचारियों के जान को जोखिम में डालकर यह कार्य किया जा रहा है। फिलहाल मजदूर युवक को उपचार के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई है। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव 37 बाटवे के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज, बिलासपुर।